नाम राजेंद्र सिंह, सुमी जायसवाल, डॉक्टर ऑफ विनोद कुमार। शिव कुमार प्रजापति, ज्वाला तालियां को मैडम बनाया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको शिव। पूजा कुमारी के लिए, जिन्होंने अपना जो टारगेट है, जो गोल है और नहीं छोड़ा है, जोरदार तालियां पूजा कुमारी के लिए, जो हमारे हमेशा के टॉपर की पोजीशन पर रहती हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट मेडल पहना करके इस बच्चे को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और जोरदार क्लैपिंग करें शिवांश के लिए। फोटो सेशन में मैं भी चाहूंगा कि शिवांश के साथ मैं भी जुड़ूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। आपका सौभाग्य होने के साथ अभी आपका हाथ भी बनता है। इसी के साथ साथ शिवांश को दिया जाता है SBI बैंक की तरफ से 1,000 रुपए का चेक भी। जोरदार तालियां, 1,000 रुपए का चेक शिवांश को दिया जाता है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे वापस आ सका आप सबके सामने। और ये सभी का ऐसे तो आशीर्वाद है, लेकिन सबसे ज्यादा इंद्रजीत सर का है। ये मेरे पेरेंट्स से भी ज्यादा बढ़ के रहे हैं, भाई जैसे भी रहे हैं और टीचर तो हमेशा से रहे हैं। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और न सिर्फ शिवांश के लिए यहाँ पर एक एक जितने भी स्टूडेंट्स हमारे उपस्थित हैं, हम सभी के लिए सदैव इस मुकाम की आशा और विश्वास करते हैं, कामना करते हैं। नई दृष्टि संस्था इसीलिए है कि हमारे एक एक सितारे जो हमारे सामने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो यूं ही चमकते रहे सदैव। यहाँ पर आए सभी का अभिनंदन करता हूँ, अपनी संस्था की तरफ से सभी को अभिनंदन करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि यानी कि जैसे हमने अपने पिछले सालों बहुत सारे प्रोग्राम किए बच्चों को लेके, मैं चाहता हूँ कि हर साल इसी तरह मैं प्रोग्राम करता रहूँ और बच्चे का और जो हमारे बच्चे हैं वो आगे आगे बढ़ें। और सभी पेरेंट्स को मैं ये चाहता हूँ कि यानी कि कहना ये चाहता हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं ज़्यादा से ज़्यादा। मैं जब इसकी कंपेनिंग कर रहा था तो यानी कि माता पिताजी को लगता है कि ये तो यानी कि इसका कोई मतलब नहीं होता, पर इसका बहुत बड़ा मतलब होता है एजुकेशन का, कि कम से कम बच्चा यहाँ पे बैठ के सीखता है कि हमें यानी देश के बारे में और सब चीज़ के बारे में यानी कि जानकारी रखता है। मैं ये चाहता हूँ कि हर साल मैं ऐसा प्रोग्राम करता, आप लोगों का साथ हमेशा मुझे मिलता रहे। सर, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल towards Nayi Drishti Educational and Cultural Organization. First of all, I would like to tell that, share my experience about that this is an NGO which is not getting any support of government and not any financial support of any other organization. Instead, there are crew members only which are supporting it financially, mentally and mechanically also. Now I am very, very happy, very, very glad that I am here second time, and I am very thankful to this organization that this gives opportunity to others, other students who have talent and who can express their views, who can express their talents with the medium of an examination, that is GK or GS competition. This is second time when I am giving this competition and I am holding the first position. Thank you. मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं त्रिलोकपुरी की निवासी हूँ और नई दृष्टि संस्था की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ये GK GS कॉम्पिटिशन कराया है। ये जितनी बार भी कराते हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे आते हैं आगे निकल करके। इससे पता चलता है कि त्रिलोकपुरी हमारा जो एरिया है इसमें कमज़ोर बच्चे नहीं रहते, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो दिखा देते हैं इनको कि ये कितने अच्छे बच्चे हैं और दिखा देते हैं इनको कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हम में भी काबिलियत है। और मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम्स, ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स लॉन्च कराते रहेंगे तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ये बोलने का भी मौका देते हैं, साथ ही साथ हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। नई दृष्टि नाम ही एक ऐसा है कि बच्चों को एक नया विज़न देते हैं ये। मैंने सेकंड प्राइज़ हासिल किया है इस संस्था से,
जिस पर मुझे बहुत गर्व है। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं ये नई दृष्टि संस्था में जो इन्होंने जीके एंड जेएस कंपटीशन रखा था उसमें मैंने 3rd प्राइज अक्वायर किया है और मुझे इस पर बहुत गर्व है और मैं चाहता हूँ ये संस्था आगे से आगे बढ़ती जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी बच्चों की इस प्रतिभा को, जो उनके अंदर प्रतिभा छिपी हुई है, उस प्रतिभा को आगे उजागर करने का एक मौका आप सब लोग उन बच्चों को देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके अंदर क्या टैलेंट छिपा हुआ है उसको कई बच्चे ऐसे को देखते हैं कि हमें कहाँ पे कैसे जाएं, लेकिन आप ऐसे बच्चों को ढूंढ कर एक आप इस संस्था के माध्यम से एक यह कंपटीशन का जो आयोजन करते हैं उसके द्वारा आप उस बच्चे की प्रतिभा को उजागर करने की प्रयत्न करते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नई दृष्टि द्वारा ये ऑर्गेनाइज जो किया गया है इससे बच्चों को ये जाता है कि बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है, विदाउट शिक्षा आप कभी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ भी हासिल करना है तो शिक्षा का बहुत ज़रूरी है, शिक्षा का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है। हमारे बच्चे गौरव पाल ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है और 1 की पोजिशन पर आया है। मुझे 1st पोजीशन जाके अच्छा लग रहा है, हमारे सर का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ तक आने के, हमारे सर ने हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेने का दिया। नई डिस्ट्रिक आके सबको बहुत अच्छा शिक्षा मिलेगी, शिक्षा के बदौले हम सब कुछ कर सकते हैं, बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं है। मैं भारत भूषण, मेरी बेटी संगमित्रा जो 8वीं क्लास में पढ़ती है, आज मैंने नई दृष्टि संस्था के कंपटीशन में मैंने इसको भेजा था, मुझे जानकारी मिली कि 3rd पोजीशन लेके आई है, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं हृदय के दिल से नई दृष्टि संस्था का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम संगमित्रा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। आज इस नई दृष्टि द्वारा करवाए गए प्रोग्राम में जो मैंने भाग लिया था जिसमें मेरी 3rd पोजीशन आई है, इस प्रोग्राम से मेरी जीके के बारे में मुझे पता चला।